जी हाँ नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार श्रीनिवास गडकरी के साथ आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो ट्यूटोरियल सिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं, बनाने वाले हैं और आप जो देखने वाले हो वो माउथ ऑर्गन के ऊपर राग काफी में मध्य लय जिसको कहते हैं, छोटा ख्याल जिसको कहते हैं, वो हम आपको बजाकर दिखाने वाले और सिखाने वाले कि किस तरह से बजाया जाता है और उसके नोट्स मतलब कि स्वर कौन कौन से लगने वाले है। पहले आप वैसे ही सुन लीजिए एक बार थोड़ा सा, तो आपको पता चले। बाद में मैं आपको बताने वाला हूं कि कीबोर्ड के ऊपर भी और इसके ऊपर भी बजा करके रिदम के साथ में कौन से स्वर वो है। तो ये कुछ मैंने बजाने की कोशिश की दोस्तों। यहाँ पे जो चाप है वो बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। ये कभी मैंने जानबूझकर बीच में कुछ किया था ऐसा आपको लग रहा होगा शायद, या भूल चूक से हुआ है वो भी आपको लग रहा होगा शायद। दोनों बात सही नहीं हो सकती, सिर्फ एक बात सही है, वो मैंने जानबूझकर किया था या आप मान सकते हो, क्योंकि मुझे वहां पे आपको चेक करना था। मुझे खुद को भी चेक करने में कोशिश कर रहा हूं कि वहां पे हमको क्या करना है, क्या आप सतर्क है या नहीं है, उस बात के लिए जो पुष्टि करने के लिए अब मैं इसको कीबोर्ड के साथ बजाकर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं रिदम के साथ जिसको कहते हैं, वो स्वर क्या है, नोटेशंस क्या है, नोट्स क्या है, वो भी मैं आपको बाद में गाकर बताने वाला हूं, सुनाने वाला हूं। क्या बजाया वो हम सुनेंगे कीबोर्ड के ऊपर, मैं साथ में गाने की भी कोशिश करूंगा। पहले थोड़ा सा आवाज कम करके सुन लेते हैं। Thank you.
देना इसमें कि ये गंधार और निषाद कोमल है। अब थोड़ा सा मैं वॉल्यूम इसका बढ़ा करके बजा कर दिखा रहा हूँ, आपको सुनाने की कोशिश कर रहा आपने ये सुना देखा। अब जाने से पहले फिर से एक बार मैं हारमोनिका के ऊपर आपको ये बजाकर दिखाने की वापस कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जो लोग सुनकर भी बजाते हैं वो शायद थोड़ा सा और भी अच्छा बजाने की कोशिश करें, या बजा पाए तो सुनकर भी वो बजा सकते हैं। कुछ लोगों को स्वर का नॉलेज होता है और अपने आप भी थोड़ा सा आ जाता है, तो इस तरह से वो भी हो सकता है कि आप लोग सुनकर भी बजा ले। और मैंने नोटेशंस तो गाए हैं, मैं आपको और एक बार बता रहा हूँ, बड़ी विनम्रता पूर्वक बता रहा हूँ कि मेरा कीबोर्ड का ट्यूटोरियल वो भी है जो इसके पीछे लगातार आएगा शायद, तो उसमें आप देखकर वो भी समझ सकते हैं, सुन सकते हैं और देखकर कौन से स्वर बज रहे हैं वो स्वर का जिसको नॉलेज है, ज्ञान है, वो भी वो बजा सकते है। अब चाहे आप माउथ ऑर्गन बजा लीजिए या कीबोर्ड, हारमोनियम, वायलिन, हारमोनिका इसको कहते हैं, वो सितार, गिटार, सारे स्वर वाद्य जो है वो बज सकते हैं। कृपया आपके कमेंट के जरिए हमें सुझाव देते रहिए, आपके सुझाव हमें सर्वथा मान्य रहेंगे। तो इस तरह से आपने ये सुना, मैंने बजाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की है आप सबको, और मेरी हर बार ये कोशिश रहती है, हर बार ये कोशिश रहेगी, बड़ी विनम्रता पूर्वक मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको अच्छा सिखा पाऊँ, दिखा पाऊँ, समझा पाऊँ, बता पाऊँ और मैं खुद भी बजा पाऊँ। हालांकि मैं पूरा बजाता हूँ ये तो शायद आप लोग भी जानते हैं कि कितना बजाता हूँ, कैसे बजाता हूँ, लेकिन ये साथ इंस्ट्रूमेंट दोनों ऑपरेट करना वो थोड़ी सी जिसको कहते हैं कि रियाज वाली बात है ना। तो आप भी इस तरह से कोशिश करेंगे तो बजा सकते हैं। अगर मैं सीखो अब दो इंस्ट्रूमेंट साथ में हैंडल करने हैं तो वो थोड़ा सा तकलीफ, दो इंस्ट्रूमेंट बोल रहा हूँ मैं, दो कीबोर्ड हो या दो माउथ ऑर्गन
या दो हारमोनियम एक साथ बजाने हो वो अलग बात है, और एक बजाते वक्त दूसरे को ऑपरेट करना वो थोड़ा सा आप कहे समझ सकते हो कि उसमें भी रियाज चाहिए दोस्तों, जो रियाज करेगा वही रियाज करेगा। तो आप बने रहिए, जुड़े रहिए श्रीनिवास गडकरी के साथ, आपके सुझाव हमें लगातार भेजते रहिए कॉमेंट के जरिए। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, फॉरवर्ड, शेयर, कॉमेंट, एवरीथिंग यू कैन से दैट। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, श्री रणछोड़ राय की जय, भारत माता की जय, अस्तु। अगले ट्यूटोरियल के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए डू चेक केयर ऑफ योर ओन सेल्फ्स। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जाने से पहले फिर एक बार बता रहा हूँ आपको, कीबोर्ड के भी मेरे यही ट्यूटोरियल मैं आपको भेज रहा हूँ, ताकि आप उसमें भी देख करके समझ सकते हो और आप बजाने की कोशिश कर सकते हो या बजा सकते हो। धन्यवाद, नमस्कार।